तो भाई कल के मैच के बाद सबसे पहले तो मुझे पाकिस्तान से एक सवाल पूछना है कि कल के दिन आखिर आपका कौन सा गाना नहीं बजा जिसकी वजह से आप कल का मैच हार गए। नहीं, बैटिंग खराब करी, बॉलिंग खराब करी, फील्डिंग खराब करी, वो सब तो बेकार की बातें हैं, उसकी क्या जरूरत है क्रिकेट में। बात असल में बनती है जब गाना बजता है। तो कल कौन सा गाना था जो नहीं बज पाया, बताइए ना, कि आप नहीं जीत पाए। मतलब भाई इस समय इंडियन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या अंतर है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि जितने स्कोर पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया था, उतने स्कोर पे पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट नहीं ले पाई थी, और इन लोगों को कश्मीर चाहिए। लेकिन भाई जो भी कहो, भले ही पाकिस्तान हार गई, लेकिन बाबर भाई ने जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है, जो बैटिंग करी है ना, एक बार फिर से ये साबित कर दिया उन्होंने कि क्यों कहा जाता है कि बाबर आजम है फ्यूचर के विराट कोहली। तो चलिए आप और हम सब मिलके आज कहेंगे कि विराट भैया चौड़े से बाबर हमारे। समझ गया भाई। वैसे क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कल के दिन पाकिस्तान को जो एकदम इंसल्टिंग हार का सामना करना पड़ा है कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। पहले इंडिया से हारे, तब तो मुंह छुपा ही रहे थे, अब उन्हें लगा था थोड़ा बहुत दिखाएंगे, लेकिन अब भी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कल के दिन पाकिस्तान को जो हार का सामना करना पड़ा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ पार्थिव पटेल का है। यकीन नहीं होगा ना भाई, मैं यकीन दिलाने के लिए तो बैठा हूं, लेकिन यकीन तो असल में उन लोगों को भी नहीं हो रहा होगा जिन्होंने पहले से ज्वाइन करके रखा है आकांक्षा ऑपरेशन का टेलीग्राम चैनल, क्योंकि कल के दिन वहां पे ऑलरेडी ये आ गया था कि डेविड वार्नर की पड़ने वाली है सेंचुरी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐसी सेंचुरी मारी कि बवाल कर दिया। बाकी मैच तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये मैच शुरू होने से पहले भी आ गया था, और बीच-बीच में लगातार वहां पे सारी कैलकुलेशन दिखा के ये बताया जा रहा था कि ये मैच चाहे कुछ भी हो जाए जीतेगी ऑस्ट्रेलिया ही। कुछ लोग पाकिस्तान की बैटिंग के वक्त थोड़ा सा घबरा गए थे कि क्या ये मैच पाकिस्तान खींच के ले जा सकती है, लेकिन आकांक्षा ने कहा नहीं भैया, मैच है ऑस्ट्रेलिया का ही रहेगा। तो जिसने भी ज्वाइन कर रखा था टेलीग्राम चैनल, या फिर जिसने भी आकांक्षा के व्हाट्सएप नंबर पे कर रखा था डीएम, उसको पता चल गया होगा मैच है ऑस्ट्रेलिया का, उसको पता चल गया होगा कि सेंचुरी आएगी डेविड वार्नर की। यानी आपने कल दिन चाहे फैंटेसी टीम बनाई होगी या फिर चाहे कोई प्रेडिक्शन करी होगी, अगर आप टेलीग्राम चैनल का हिस्सा थे या फिर जैसा मैंने कहा आपने व्हाट्सएप करा हुआ था, तो आपके पास मैच खत्म होते ही पैसा ही पैसा बाबू भैया। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है भैया, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होना है, जल्दी से चले जाओ, जाके ज्वाइन कर लो, प्रेडिक्शन उठाओ और मैच देखते देखते पैसा कमाओ। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो हार का सामना करना पड़ा है, उसके पीछे बहुत बड़ा रोल रहा है पार्थिव पटेल का, क्योंकि कल के मैच में पाकिस्तान टीम ने जो फील्डिंग करी, जो कैचेस छोड़े, मतलब पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो कुल मिला के पार्थिव पटेल के करियर जैसी है। मतलब दोनों का ही जो ग्राफ रहा है ना, वो समय के साथ नीचे ही जाता गया है, कभी ऊपर नहीं गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे जहां अभी थोड़ी देर पहले हमने विराट कोहली और बाबर आजम का नाम साथ में लिया था, तो भाई कल के मैच में ही एक बार फिर से हमें इस चीज का एक बहुत बड़ा सबूत मिल गया कि आखिर विराट कोहली और बाबर आजम में कितना जमीन आसमान का अंतर है। मतलब दोनों ने स्कोर क्या मारे हैं, दोनों ने रन कितने मारे हैं इस वर्ल्ड कप में, मैं इसकी बात कर ही नहीं रहा हूं। भाई कल के मैच में बाबर आजम की एक पिक सामने आती है, और भारत ने जो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था उसमें से भी एक पिक हमारे सामने आती है। आप दोनों पिक को देखिए, आप समझ जाएंगे कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। बस देखिए, स्क्रीन को पॉज करिए, देखिए, आपको खुद अंदाजा लग रहा होगा कि एक लेजेंड है और एक छोड़ो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाता हूं मैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। बाकी पता है मुझे, हंसी असल में ये सोच के भी आ रही थी कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान के बॉलर हारिस रॉफ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अपना तो बस एक ही ख्वाब है कि वर्ल्ड कप में कुछ भी करके विराट कोहली का विकेट लेना है। अब जाहिर सी बात है, विराट भैया का तो विकेट मिला नहीं, लेकिन अपने आप में ही हारिस रॉफ ने कहा कि चलो विराट भैया का विकेट नहीं मिल पाया, पर अब अपन बनाएंगे रिकॉर्ड। तो कल के दिन सबसे तेज हाफ सेंचुरी मार दी, बैटिंग में नहीं बॉलिंग में, 3.3 ओवर में 54 रन पिट गया बंदा। और कहां रमीज रजा एक बार मुंह फाड़ के स्क्रीन पे कहते थे कि हारिस भाई को हमने कितनी बार कहा है, आपकी बॉलिंग में ऐसी पेस है, ऐसी हार्ड लेंथ पटकते हैं, आप पटकते रहिए, कोई माइका लाल नहीं है आपको बाउंड्री लगा सके। तो बस कल के दिन ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने कहा कि अब तो सिर्फ बाउंड्री लगाएंगे, अब सिंगल डबल कुछ नहीं, सिर्फ बाउंड्री लगाएंगे इसको।
लेकिन भाई जो भी कहो, कल के दिन डेविड वार्नर ने ना आग लगा दी। नहीं भाई, सच में आग लगा दी। क्या सेंचुरी मारी, क्या 150 मारा। हाँ, उसके पीछे पाकिस्तान की फील्डिंग का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि दो दो कैच उन्होंने छोड़े थे, वो भी बहुत ही फुद्दू कैच छोड़े थे। पांचवी क्लास का बच्चा ही पकड़ लेता, लेकिन उन्होंने पांचवी तक पढ़ाई कहाँ करी है, तो दिमाग भी तो वैसा होना चाहिए। अब जब दिमाग वैसा नहीं है तो पूरा शरीर भी कैसे वैसा होगा। बाकी फील्डिंग जैसा मैंने कहा ना, पार्थिव पटेल वाली चीज, लेकिन वार्नर की जहां हम बात कर रहे थे, जो उन्होंने सेंचुरी मार के या पुष्पा राज वाला स्टाइल मारा, अब बताओ कैसे इनसे प्यार ना करें। देखो वार्नर भाई, आप ऑलरेडी इंडिया से हार चुके हैं, लेकिन अगर वापस से किसी वजह से हमारी सेमीफाइनल या फाइनल में मुलाकात हो जाती है, बस वहां रन मत मारिएगा। बाकी आपको जो करना है करिए, एंजॉय करिए, आपका ही देश है, आपका ही घर है, एंजॉय। वैसे मैं तुम्हें यहां पे बताना चाहूंगा कि डेविड वार्नर ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर 3 बार 150 प्लस का स्कोर किया है, और आज तक वर्ल्ड कप की में ऐसा एक भी प्लेयर नहीं है जिसने एक से भी ज्यादा बार 150 प्लस का स्कोर किया हो। मतलब लेजेंड है भाई अपना। लेकिन भाई तुम्हें पता है कि क्यों असल में पाकिस्तान की इज्जत करने का मन नहीं करता? नहीं, अगर गलती से 2 पल के लिए ऐसा ख्याल भी आ रहा होता है तो कोई ना कोई हरकतें ऐसी कर ही देते हैं कि यार लगता है कि भाई ये लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं। मतलब कल का मैच पाकिस्तान हार गई थी, बेचारे सबके चेहरे मायूस हो रखे थे, लटके हुए थे, देख के खुशी हो रही थी, लेकिन फिर भी सोचा कि बच्चे अपने अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसे इनका चेहरा लटका हुआ है। पर तभी भैया कल के दिन पाकिस्तान के एक्स बॉलर वकार यूनुस, जो जब पाकिस्तान में रहते थे, बड़े-बड़े स्टेटमेंट देते थे, इंडियन प्लेयर्स को बहुत भला बुरा कहते थे, भला भी नहीं बुरा बुरा ही कहते थे, लेकिन कल के दिन जब वो इंडिया में मौजूद थे और पाकिस्तान की टीम हार गई थी और उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, आपको दुख तो काफी हो रहा होगा, तो वकार यूनुस कहते हैं, दुख किस बात का, हम तो हाफ ऑस्ट्रेलियन हैं, हाफ ही पाकिस्तानी हैं, तो हम जितने खुश हैं उतने ही दुखी हैं, लेकिन ज्यादा खुशी हैं। मतलब भैया जो अपने देश का नहीं हो सकता ना, उसके बारे में क्या ही बोलूं, और इनको कश्मीर चाहिए। तो कुल मिला के फिलहाल कहानी बस इतनी सी है कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने कर ली है वापसी वर्ल्ड कप 2023 में, और ऐलान कर दिया है कि जैसी शुरुआत हुई थी वैसा हम वर्ल्ड कप में खेलने नहीं वाले हैं, अब आएगा असली मजा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम हो चुकी है पूरे तरीके से एक्टिव, जैसा मैंने कहा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एल लगे हुए हैं, और इनका अगला मैच जो अफगानिस्तान से खेलना है, अगर वहां पे पाकिस्तान अपसेट नहीं कर पाती है और अफगानिस्तान को नहीं हरा पाती है, तो उस मैच से ही ये मान लीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सफर है वो वर्ल्ड कप 2023 में खत्म हो चुका है। फिनिश, टाटा, बाय बाय, खत्म। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप 2023 में जो सफर है वो अपने अंत के करीब आ चुका है, अब ऊपर वाला भी इन लोगों को वर्ल्ड कप में नहीं बचा सकता, और सेम टाइम पे अगर आने वाले वक्त में कोई वापस से आपके सामने खड़े होकर कहेगा कि भाई बाबर आजम है फ्यूचर के विराट कोहली, तो आप आखिर किन दो शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए करना चाहेंगे? दो ही शब्द आपको कहने, जी हां, एग्जैक्ट 2 शब्द, पर वो 2 शब्द जो हैं, प्लीज आज हर कोई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी भैया कमेंट में जा ही रहे हो तो जैसा मैंने कहा, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से जाना है, ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप करना है, और उसके बाद भैया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच होना है, जो कि होगा एकदम तगड़ा, एकदम फाड़ू, क्योंकि उनका मुकाबला तो तगड़ा ही होता है ना। बस उस मैच के मजे भी लेने हैं, प्रेडिक्शन करके पैसा भी कमाना है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।